बोलो। मैं थोड़ा है अभी नहीं, अभी जीती हूँ भैया थोड़ा है। अब तुम ना फिर भैया रुक जाएगा। आप लोग कहते हैं मैं कैसी लग रही हूँ तू बताना। अपने वाले गार्जन हूँ, मेरे पापा बाहर गए हैं, बिहारने वाले हैं, आपने बात करेंगे। आप तो वीडियो देख रही हो, आप थोड़ा कर देना और पंखा चला है और हम बेटा है वहां तक किया है हमें बाहर तो लिया हमें मेरे पापा हैं पेपर के डब्बे में तो थोड़ा। तो दृष्टि किससे बात कर रही थी तुम अभी? लोगों से बात कर रही थी तू। अरे क्या क्या बातें हो गई आपकी? एक घंटा हो गई बातें। एक घंटा से क्या क्या बातें कर रही थी? एक घंटा से बहुत तक कर रही थी। अच्छा बात कर रही थी। तो भैया की बातें बताया था तुमने? क्या क्या बताया? टॉफी थोड़ी खाती है तो ये पागल लड़की है, ऐसे ही बात करती रहती है और अपने छोटे भाइयों को खिलाती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बताना कितना क्यूट है, ठीक है? तो दृष्टि, तो हम और दृष्टि दोनों खाना खा के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। भोजन में क्या है मामा? पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी। खाली तो होगा। दृष्टि क्या कर रही थी तू? लड़की सारा दिन झूठती रहती है। क्यों रही लड़की? झूलती रहती है। आजा मोबाइल चलाने, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, पहले बात करो। हम झूला भी झूला है, हमारी प्यारी डब्बी बनी है, हमारे झूले भी है, हम अब याद आ गए। ये लड़की बहुत चाल करती है। देखो जो बाल्टी कौन ला गया? तुम तो जब देखो चाल ही चाल करती हो, कुछ काम तो है नहीं तुम्हें है? पागल लड़की। अब पानी भर दो पूरा। सही है, लाइट आज बहुत लेट आई है ना दृष्टि? और तुम में तो अच्छी पिटाई कर ले, तुम परेशान कर रही दादी। हाँ जब से हैं काहे खिलाने परेशान कर रही? क्या है मूली रखी, मूली उठा दो ना। अच्छा काहे की सब्जी है? पनीर है, आलू टमाटर। अच्छा मिर्च, ये रही रोटी। तो आप लोग भी बताना सब्जी। अब सब्जी हम बताएंगे आपको कैसी बनी आज की, और रोटी भी। तो चलो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। हमारी मम्मी खाना खा चुकी हैं और अब हम खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो शाम के 5:30 हो गए, छत पे आया हूँ। आज दिन भर से मतलब कल दोपहर से बारिश रुक नहीं रही है यहाँ पे। दो दिन से लगातार पानी गिर रहा है, अभी भी पानी गिर रहा है। देखो मेरे कैमरे पर भी। हाँ अब कुछ ठीक है, तो मेरे कैमरे पर भी पानी गिर रहा है। तो आप देखिए ये देखो धूप है, छत देखो मेरे छत सारे के सारे गीले हैं, अभी भी फुब्बारा टाइप का पानी गिर रहा है। तो दो दिन से रुक ही नहीं रहा, मैं 2 दिन से स्कूल ही नहीं गया पढ़ाने के लिए। और एक्चुअली सोचता था कि आज जाऊंगा, फिर भी नहीं जा पाया। तो ठीक है, आज सब गीला गीला है, कपड़े भी नहीं सूख रहे। आज कपड़े थोड़ा साफ किए थे मैंने, तो वो भी नहीं सूख रहे। तो छत पे तो हम आप लोगों को इसलिए लाए हैं, थोड़ा देखेंगे हमारे पौधों में प्रोग्रेस कितनी हुई। तो चलो आपको दिखाते हैं। हमने लौकी का पौधा लगाया था, आपको दिखाया था कुछ समय पहले। अब बताते हैं पौधा कितना और कितना बड़ा। तो बारिश तो हो ही रही है, चलो जी देखो। जी जीरा जी लौकी का पौधा लगाया था मैंने, और ये देखो काफ़ी पत्ते आ गए उसमें और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो उसके लिए मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, लगाऊंगा कल, रस्सी बांधूंगा, इसलिए वो छत पे आ जाएगी, यहाँ से ऐसे आ जाएगी छत पे। और चलिए अब दिखाते हैं अपने पौधों को कि पौधे
कि प्रोग्रेस कितनी हुई है। ये तो हम लोग विद्या का पेड़ कहते हैं इसे, पता नहीं काय का पेड़ है, ये तुलसी माता है हमारी। और ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये देखिए, ये है समीपत का पेड़। समीपत का पौधा मैं चित्रकूट से लाया था, तो ये रहा समीपत का पेड़। कहते हैं इसकी पत्ती रामेश्वरम में जब भगवान श्री राम रहते थे तो भगवान शिव को अर्पित करते थे, तो दो ही ये भगवान श्री राम चढ़ाया करते थे सिर्फ शंकर जी को। जब भगवान रामेश्वरम में रहते थे तो प्रभु शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए यही पत्ती चढ़ाते थे। ये समीपत का पेड़ है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, पुराणों में इसका बहुत उल्लेख भी है। तो कैसा लगा आपको हमारा समीपत का पेड़? अब क्या एक्चुअली ये पौधा था, लेकिन अब ये बॉन्साई पेड़ हो गया है। बॉन्साई पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे, वो वीडियो में देखे होंगे। तो ये भी लगा ये देखो टीनी लगाया था, जड़े बाहर निकले हैं, तो ये बॉन्साई पेड़ हो गया है, लेकिन अच्छा लगता है। और यहीं हमारे भोलेनाथ बाबा बैठे हैं, वो पापा पूजा करते हैं, यहीं जल चढ़ाते हैं उनको, और इसी पेड़ के नीचे इनका निवास है। वाह, आज पहली बार फूल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखो ये वाला पेड़, उस दिन हमने निराई की थी, पेड़ों को गोड़ दिया था, तो उसमें अब जाके देखो तुरंत ही फूल आ गए उसमें। और देखो फूल देखिए आप लोग, कितना अच्छा फूल है, अच्छा पेड़ है यार। ये देखो ये वो पेड़ था, आपको दिखाया तो था, अब पानी गिर रहा है तो उस दिन से फूल भी काफ़ी शानदार आ रहा है इसमें, अमेजिंग फूल है भाई। और ये देखो देखो इसकी हमेशा निदाई गुड़ाई करने से क्या होता है, फूलों देखो फूलों की कलियां देखो, एक तो दो कलियां हैं इसमें, फूल खिलेंगे। और ये देखो ये वाला पेड़ भी देखो, कितने सारे फूल आने वाले हैं इसमें, कलियां ही कलियां हैं इसमें, तो ये भी बहुत शानदार फूल आएंगे। तो देखो मैंने उस दिन इनको अच्छे कीला से गोड़ा था, मतलब यहाँ मिट्टी को गोड़ दिया था कि, तो मतलब तीनों पौधों में फूल फूल ही फूल, कलियां ही कलियां दिख रही हैं। और ये रहा हमारा नींबू का पेड़, तो ये तो टेम्परेरी जैसा लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही बरसात के टाइम कुछ पेड़ जरूर लगाया करो, तो आपको हमारे पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, तो अच्छा लगता है हमें, आप भी पेड़ पौधा जरूर लगाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।